तो उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि अभी जो कुछ कर रहे हो भविष्य की चिंता करके नहीं करोगे तुम, वो तुम निष्काम भाव से करोगे। अब ये बहुत मजेदार बात है और सामान्य बुद्धि को समझ में नहीं आएगी कि भविष्य अच्छा उनको मिलेगा जो भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे, क्योंकि कामना माने भविष्य, सब कामनाएं भविष्य में ही तो होती है ना, सब कामना इसी चीज़ की तो होती है कि भविष्य में अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आपको भविष्य अच्छा चाहिए तो वर्तमान में अच्छा कर्म करिए, लेकिन वर्तमान में अच्छा कर्म ये नहीं है कि आप भविष्य की परवाह करें। वर्तमान में अच्छा कर्म ये है कि आप भविष्य के बारे में बिल्कुल निष्काम हो जाएं, मुझे भविष्य से कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अभी जो कर रहा हूँ वही इतना अच्छा है कि मैं उसमें डूबा रहना चाहता हूँ, वो काम ही इतना अच्छा है कि अब परिणाम की कौन सोचे। तो अच्छा भविष्य किनको मिलता है? जो भविष्य का ख्याल ही नहीं कर रहे होते। जो भविष्य का ख्याल कर रहे होते हैं अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन भविष्य का ख्याल करने का ये अर्थ नहीं है कि तुम वर्तमान में अपनी वृत्तियों में डूब जाओ। भविष्य का ख्याल दो तरीके से आदमी नहीं कर सकता है भाई। भविष्य की उपेक्षा करनी है उसके दो रास्ते होते हैं। एक तो कि तुम बिल्कुल शराबी हो जाओ। जो शराबी है वो कल की बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा, नशा चढ़ता रहा, पीता रहा, बिल्कुल नशे में डूबता जा रहा है, इसे भी भविष्य का कोई ख्याल नहीं है। और जो निष्काम कर्मी है, निष्काम कर्म योगी है, वो भी भविष्य का ख्याल नहीं कर रहा। तो ये भूल मत कर लेना कि सोचो कि भविष्य का ख्याल ना करने का मतलब होता है कि अभी का जो नशा है उसको चढ़ने दो और चढ़ने दो, आगे ही कौन सोचे।